भाई, हमें नहीं मालूम था कि हम सिर्फ अकेले होंगे इस रास्ते पे जाने वाले। भाई रूह तक कांप गई है मेरी अंदर। गाइस फाइनली हम लोग तांगलांगला पास पहुंच गए हैं। 17,482 फीट की हाइट और यहाँ पे लेक जम चुकी है। अक्टूबर में हम जब राइड कर रहे हैं ये लेक फ्रोजन हो चुकी है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है। मतलब कितने सैकड़ों साल पुराने ये पहाड़ होंगे पता ही नहीं। और यहाँ पे इतनी तेज स्पीड से हवा चल रही है मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। इट्स डे 5 फ्रॉम ले। हम लोग अभी ले से निकल रहे हैं हमारे सफर को धीरे धीरे समापन की तरफ लेकर। और अभी सुबह के बजे हैं 6 और हम लोग हैं अभी ले में हमारे होटल में जहाँ पे तैयारी हो रही है हमारी निकलने की। वहाँ बैग हमारे पैक हो चुके हैं, बैग सारे पैक हो चुके हैं। नितेश भाई पूरे रेडी हो चुके हैं। यस आई एम रेडी। अभी कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि नितेश भाई जा रहे हैं श्रीनगर होते हुए और हम लोग जाएंगे मनाली होते हुए। तो मनाली वाले रूट पे आपको अलग अलग अपडेट्स मिलेंगे और श्रीनगर वाले पे अलग अलग अपडेट मिलेंगे। तो आज की जर्नी को हम लोग करते हैं शुरू। नितेश भैया कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बहुत अच्छा ट्रिप रहा हम लोगों का गौरव भाई के साथ में। आता तो हर साल हूँ और फिर क्या, कभी कभी भाई लोग साथ होते हैं तो ज्यादा मजा आता है। और इस बार फोटोज भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे ज्यादा फोटो खींचे गए हैं क्योंकि गौरव भाई अच्छे अच्छे फोटो खींचते हैं। हेलो जी भाई लोग, तो हम लोग निकल गए हैं हमारे फाइनल सफर के लिए। जो इतने दिन से हमारी राइड चल रही थी अब जा कर के वो कंक्लूजन पे आने वाली है। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि घर जाना है, बुरा भी लग रहा है क्योंकि हमारी राइड ख़त्म होने वाली है। और एक जो राइड का पार्ट होता ना भाई, ये एंड वाला, वो थोड़ा सा दिल को तोड़ने वाला होता है। खैर अभी हाल फिलहाल हम हमारे होटल से निकल चुके हैं जो कि था ले कासल। और अभी सबसे पहला काम है फ्यूल भरवाने का, तो सबसे पहले जा रहे हैं हम फ्यूल स्टेशन, फ्यूल भरवाएंगे, उसके बाद खुद को भरेंगे यानी कि ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग चल देंगे हमारे सफ़र के लिए जो कि आज होने जा रहा है ले से मनाली के लिए। बीच में बहुत सारी जगह आएंगी, जैसे कि आएगा तंगलांगला पास, नकीला पास, बारालाचा पास। मतलब कि जर्नी में बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है भाई। और ये जो है ये रोड जा रही है हमें सीधे लेकर के श्रीनगर और मनाली। और यहाँ से हमारा सफ़र दो फेज़ में बंटने वाला है। वो कैसे वो मैं अभी आपको वीडियो के चलते चलते बता दूंगा। सबसे पहला काम है फ्यूल भरवाना, फ्यूल भरवाते हैं। ये जो फ्यूल स्टेशन है ये ले का मेन फ्यूल स्टेशन है। मेन सिटी में एंटर करते के साथ ही ये फ्यूल पंप है, इसलिए इनके नखरे भी बहुत ज़्यादा हैं। निदेश भाई ने अभी इनको पूछा कार्ड स्वैप होगा नहीं होगा, इसने भाई ने साफ मना कर दिया कि 8 बजे बाद ही हम स्वैप करेंगे। खैर हमारे पास कैश है तो हम कैश में भरवा लेते हैं। फुल कर दो भाई, फुल हो जाएगा तो इसके बाद हमें सीधे मनाली तक में भरवाने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्यूल की कैपेसिटी हमारी अच्छी है। आमतौर पर दुनिया भर के सैलानियों से आबाद रहने वाला ये लेह शहर अभी हाल फिलहाल एकदम सुनसान है। कब्रिस्तान के बराबर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह तो है जो है ही, उसके अलावा यहाँ पे अभी कोई सैलानी नहीं आ रहा क्योंकि अक्टूबर का मंथ आ गया है। अक्टूबर का मंथ आ गया है मतलब कि सर्दियाँ आ गई है। तो हम इस सुनसान शहर में सिर्फ हम दो लोग हैं जो यहाँ घूम रहे हैं। तो अभी हम खाने की तलाश में भटक रहे थे, कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, चाय की टपरी तक भी नहीं है भाई। बट निदेश भाई को एक ढाबा पता था तो अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कुछ खा लेंगे अगर मिलता है तो। क्योंकि आगे का सफ़र जो है वो इंतहाई सुनसान होने वाला है हमारा सफ़र। तो अभी एक ढाबा हमें मिल गया है, देखते हैं वहाँ पे खाने के लिए क्या मिलता है। वैसे भी खाने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं हैं, तो जो मिल जाए खा लो क्योंकि अभी लंबा वैसे भी सफ़र है हमारा। तो आगे ही एक ढाबा है जो कि प्योर वेज है। हाँ, इतना हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमें प्योर वेज ना मिले क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो प्योर वेज जगह ही चाहिए। हाँ जी, हाँ मैं निकल रहा हूँ, चलो बाय बाय, मिलते हैं रास्ते में।
देखो जी, हम लोग हैं अभी ले के शे पैलेस में, शे विलेज में, और यहाँ दूर दूर तक आपको जो दिखाई दे रहे होंगे ये सारे स्तूपा हैं। बहुत सारे स्तूपा हैं, बहुत सारे हम पीछे छोड़ चुके और बहुत सारे ये आगे हैं। ये है शे विलेज, बहुत ही खूबसूरत ये छोटा सा विलेज है ले के पास में, और आबादी भी अच्छी खासी है इस विलेज की। अब तक मैंने जितने विलेज देखे हैं यहाँ पे, ले के आसपास भी बहुत सारी खूबसूरत जगह है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो। 4 किलोमीटर आगे ही थिक्से मोनेस्ट्री आ जाएगी। ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में जो आप मोनेस्ट्री देख रहे हैं, ये है थिक्से मोनेस्ट्री। ऊपर टॉप पे बनी हुई है ये मोनेस्ट्री, और जहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू। यहाँ पे जाने के लिए मेरे ख्याल से पैदल का रास्ता है। ये रास्ता जाएगा थिक्से, खूबसूरत पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों के बीच में ये रास्ता जा रहा है, जो जा रहा है थिक्से मोनेस्ट्री। और बहुत ही खूबसूरत ये मोनेस्ट्री है। ये देखिए, ये सामने है थिक्से। ये स्तूपा है, बड़े बड़े स्तूपा। वाओ, बहुत सुंदर मोनेस्ट्री भाई। तो जी, ये है थिक्से मोनेस्ट्री, और हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं थिक्से मोनेस्ट्री के। ये पार्किंग एरिया है आई गेस, सो यहाँ पे हम हमारी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट। थिक्से मोनेस्ट्री तक जाने के लिए आपको बहुत ही शानदार रोड मिलती है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आपको टॉप पे ले जाएगी मोनेस्ट्री के लिए। मोनेस्ट्री के गेट से लगभग 500 मीटर अंदर आपको जाना पड़ेगा पैदल, उसके बाद आप वहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। ये जो रोड है ये बहुत ही शानदार और नज़ारों से भरपूर है। दोस्तों, हम लोग अभी कारू से उपसी की तरफ जा रहे हैं, और उपसी से हमें परमिशन मिलेगी 12 लाचा पास के लिए। अगर वहाँ पे स्नो नहीं पड़ी होगी तो हमें आगे जाने की परमिशन इजीली मिल जाएगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा। ये जगह जो है कारू, लगभग मैग्नेटिक हिल से मिलती है। मैग्नेटिक हिल में भी आपको ऐसी ही रोड मिलती है, और दोनों तरफ ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कारू बेसिकली मिलिट्री एरिया है, और बहुत सारा मिलिट्री बेस कैंप है वहाँ पे। अभी जब मैं कारू से निकल रहा था तो वहाँ पे वीडियो हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो नो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जोन था, क्योंकि आर्मी बेस कैंप है वहाँ पे। देखिए, अब लोमा न्योमा और हानली के लिए जाता है यहाँ से लेफ्ट पे रास्ता, और मनाली चंडीगढ़ सरचू निकल जाएगा यहाँ से, तो हम जाएंगे मनाली। उपसी से हमें परमिशन मिल गई है आगे जाने की, और अभी हम जा रहे हैं मेरू के रास्ते। और इस पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं है भाई, कोई एक व्हीकल नहीं दिखा मुझे अभी तक, तो बिल्कुल लोनलीस्ट है ये रोड। कोई भी नहीं है, एक बंदा ना बंदे की जात, ना कोई व्हीकल, और इतना मज़ा आ रहा ना यहाँ राइड करके, क्या बताऊँ। ठंडा मौसम है, और नीचे रिवर साइड पे रिवर बह रही है, बहुत सुंदर सी रिवर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर वाली, और साथ में ये बिल्कुल खाली रोड, क्या बात है। इसने मुझे याद दिलाई जब हम स्पीति से जाते हैं, कौन सी मोनेस्ट्री थी वो, नाम भूल गया हूँ मैं, गुए मोनेस्ट्री के लिए जाते हैं जब हम,
बिल्कुल सेम ऐसी रोड मिलती है, बट वो रोड टूटी हुई है और ये एकदम बेहतरीन रोड है। यही फ़र्क है बस, बाकी रोड वही की वही है पूरी। दोस्तों सामने जो पहाड़ देख रहे हो, पूरा इस पहाड़ को काट करके ये रास्ता बनाया गया है और बहुत ही जटिल और कठिन रास्ता है। चारों तरफ से पहाड़, सकरे पहाड़ है और उनके बीच से ये रोड सर्पाकार आकृति में मुड़ रही है। अब जाकर के कोई व्हीकल दिखा भाई इतनी देर में, वो भी हिमाचल प्रदेश नंबर का। तो ये मेरे ख्याल से मनाली से जा रहे होंगे ले के लिए। वाह यार क्या रोड है। और जरा आप है ना जो पौधे हैं उनका कलर देखिए, एक तो है बिल्कुल मरून कलर के और एक है येलो कलर के, बिल्कुल अलग किस्म की प्रजाति है यहाँ पे। अभी हम लोग हैं मेरू विलेज में और मेरे लेफ्ट साइड पे ये पहाड़ देखिए आप, ज़रा ये आकृतियाँ देखिए, मतलब कितने सैकड़ों साल पुराने ये पहाड़ होंगे पता ही नहीं है। और शेप ऐसी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नुकीले तीर की तरह ये पहाड़ है। और ये येलो जो कलर के पेड़ हैं इसको एक अलग ही सौंदर्य दे रहे हैं इन पहाड़ों को। वाह और जरा ये पहाड़ देखिए आप, ये पर्वत श्रृंखला देखिए, इट्स लाइक अ ड्रैगन स्टोन। और इसकी शेप ऐसे है जैसे कोई ड्रैगन बैठा हो। वाह मतलब लेफ्ट साइड से आप देखिए पूरा कर्व ऊपर तक जा रहा है और वो वहां तक है। दोस्तों अभी हम लोगों ने रोमसे विलेज क्रॉस किया है। रोमसे विलेज की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 200-300 लोग यहाँ रहते हैं और ये प्लास्टिक और पॉलिस्ट्राइन फ्री विलेज है। लद्दाख का एक छोटा सा विलेज, छोटा सा मामूली सा विलेज जो कि प्लास्टिक और पॉलिस्ट्राइन फ्री है। और दूर दूर तक आप देखोगे यहाँ ना पेड़ है ना पेड़ों का नामो निशान है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी है, ऑक्सीजन आती ही नहीं है। और अभी थोड़ी ही दूरी पे आ जाएगा तंगलांगला पास जिसे हम लोग क्रॉस करेंगे। और तंगलांगला पास के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे वो पास है और अभी वहाँ पे कल ही स्नोफॉल हुआ है। दोस्तों हम लोग हैं अभी तंगलांगला पास की तरफ और यहाँ पे लेक जम चुकी है। अक्टूबर में हम जब राइड कर रहे हैं ये लेक फ्रोजन हो चुकी है भाई, और इतनी भयंकर ठंड है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हाथ नीले पड़ने चालू हो गए। ये देखो हाथ ऐसे हो गए लगभग 70 साल के डोकरे जैसे, जबकि मैंने ग्लव्स भी पहने और सब कुछ। और ये बिल्कुल लोनली है जगह, मतलब कोई भी नहीं है आसपास, पूरा रोड खाली। ओहो भाई राइडिंग इसीलिए बहुत आसान नहीं है। तो जी हम निकल गए थे लेह से मनाली के लिए और मुझे नहीं मालूम था कि वीर अभी तो बोला भी नहीं जा रहा भाई, हमें नहीं मालूम था कि हम सिर्फ अकेले होंगे इस रास्ते पे जाने वाले। कोई नहीं है, दूर तक एकदम सुनसान है, बियावान है एकदम। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम अभी ऊपर आए हैं और ऊपर जो ग्लेशियर्स आप देख रहे हैं उनको हमको क्रॉस करके जाना है। तो भैया राइडिंग बहुत मुश्किल है और इन पहाड़ों में अक्टूबर के मंथ में भाई साहब गलती। मैं अभी वैसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं दुनिया में एक अकेला इंसान हूँ और मैं निकल पड़ा हूँ अपने जुनून और पागलपन की हद को पार करने के लिए। दूर दूर तक तो कोई दिख ही नहीं रहा भाई, रोड पर नामो निशान। भाई रूह तक कांप गई है मेरी अंदर तक, इतनी भयंकर ठंड है मैं बता नहीं सकता हूँ। हम बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पे हैं अभी इस टाइम और तंगलांगला पास लगभग पहुँचने वाले हैं।
ओ भाई खून जम गया है मेरे हाथों का। वहाँ पर चल रही है हमारी राइड और दूर तक कोई नहीं है, हम ही हैं। देख लो राइडिंग आसान नहीं है। अभी तांगलांगला पास है हम और तांगलांगला पास यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है और ठंड भयंकर है। अभी धूप दिखी तो हमने रोक लिया। देख लो दूर तक कोई नहीं है भाई, आपका भाई है, अकेला बैठा है, कोई आने वाला भी नहीं है। सुनसान बियावान और ये है लद्दाख। चलो अब चलते हैं। आए हाय, उठने में भी जोर आ रही है भाई। तो जी कुछ ऐसा सा रास्ता है तांगलांगला पास जाने के लिए और कुछ 1 किलोमीटर की फुल ऑफ रोडिंग थी जो हम करके आ रहे हैं। और अगर मैं आपको राइट साइड में दिखा दूंगा तो भाई साहब इतनी गहरी खाई है और कोई पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, सांस लेने में इतनी तकलीफ आ रही है क्या बताऊं। और ठंड इतनी ज़्यादा है, एक्सट्रीम वाला वेदर। तो जी गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तांगलांगला पास और ये यहाँ का सबसे हाईएस्ट पास है। ओहो हो, ये भी अलग ही फीलिंग है भाई तांगलांगला पास पहुंचने की 17,482 फीट की हाइट में। तो जी गाइस फाइनली हम लोग तांगलांगला पास पहुंच गए हैं जो कि सामने आपको दिख रहा होगा 17,482 फीट की हाइट पे। भाई साहब हवा ही हवा है, सांस का कहीं नामो निशान नहीं है, ऑक्सीजन का कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ हमारी बाइक खड़ी है, ये देख लो भैया पहुँच गए हम तांगलांगला पास। तो जी हम लोग हैं 17,482 फीट की हाइट पे और ये है तांगलांगला पास जो कि वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट पास है। देखिए वैसे तो ये कहने को 12th हाईएस्ट पास है और सच बताऊं तो यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है इतना सा भी पेड़ का, इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है। तांगलांगला से द्रिपलिंग की तरफ जाते हुए आपको ये मैदानी पहाड़ दिखेंगे और यहाँ पे इतनी तेज स्पीड से हवा चल रही है मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है छाती फाड़ के हवा सीधे बाहर जा रही है, नश्तर सी चुपती हुई हवा है ये। और जरा रोड देखिए, एकदम लोनली ये रोड है, बाप रे बाप।